आज की ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है, बताएं कि वह तस्वीर किसकी है। ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक तस्वीर, ठीक, ठीक, ये है तस्वीर। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, केवल तस्वीर की बात करी जा रही है, ठीक, तस्वीर की बात करी जा रही है। ये है सूरज, ठीक, ये है सूरज। तस्वीर की इंगित करते हुए सब तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज कह रहे हैं कि उसकी पुत्री, मतलब इस तस्वीर की पुत्री, और इस पुत्री का नाम है शोभा। क्या नाम है? शोभा, ठीक, ये पुत्री है इनकी तस्वीर की, और इस पुत्री का नाम शोभा, अर्थात तस्वीर की पुत्री शोभा है, ठीक। और कह रहे हैं मेरी माँ की, जो ये सूरज की माँ है, सूरज की माँ कि ये जो है शोभा कौन है, पोती है माँ की, सूरज की माँ की पोती है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली बात, सूरज जो तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कह रहे हैं, तो तस्वीर की पुत्री है, इसका मतलब ये तस्वीर क्लियर नहीं हो रहा कि औरत है या आदमी, दोनों में से एक है, ठीक, औरत या आदमी में से एक है। औरत हो तो औरत की भी पुत्री हो सकती है, और आदमी होंगे तो आदमी का भी पुत्री हो सकती है ना, तो ये क्लियर नहीं। आगे देखिए, पुत्री सूरज की माँ की है शोभा ना, तो पीछे लौट कर आइए, शोभा की जो सूरज की माँ है, शोभा की कौन है? शोभा की दादी है ना भाई, इनकी पोती है शोभा, तो शोभा की ये कौन है? दादी। और अगर सूरज की माँ की पोती है शोभा, तो यहाँ अभी सूरज कौन है शोभा की भाई? शोभा के या चाचा होंगे या फिर पापा होंगे, ठीक, पिताजी होंगे, पिताजी होंगे या चाचा होंगे, ठीक है, क्लियर नहीं है, ठीक, ये चाचा ही है कि पापा ही है, ध्यान समझिएगा, तो शोभा के चाचा है या पापा, ये क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक हैं, ठीक। अब यहाँ पर इधर लौट कर आइए, शोभा की ये कौन भाई? ये तस्वीर की पुत्री है, तो इसका मतलब शोभा के ये जो है शोभा के चाचा हो सकते हैं, है ना, और शोभा के पापा स्वयं हो सकते हैं, स्वयं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और इनकी वाइफ भी हो सकते हैं। यहाँ पे औरत और आदमी का कोई संकेत नहीं दिया गया तस्वीर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पूछा गया, वह तस्वीर किसकी, तस्वीर किसकी है जिसको सूरज संकेत करते हुए कह रहा है कि तस्वीर की पुत्री शोभा, तो यहाँ पर तस्वीर जो है इनके सूरज के भाई की हो सकती है, ठीक, सूरज के भाई की हो सकती है, सूरज के भाई होंगे, तो भाई के अगर पुत्री है तो सूरज की माँ की पोती लगेगी शोभा, बिल्कुल सही। सूरज की अगर पत्नी होंगी, ये तस्वीर औरत होगी, तो भी इनकी जो पुत्री होगी, औरत की जो पुत्री होगी, वो भी इनकी माँ की पोती ही लगेगी, या फिर सूरज स्वयं होंगे तो इनकी पुत्री
जो होगी इनकी माँ की पोती लगेगी। ठीक है, तो कई कंडीशंस है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सूरज के चाचा की है, सूरज के भाई की है, सूरज के पुत्र की है। सूरज के पुत्र की तो बिल्कुल नहीं होगा, सूरज के भाई की हो सकती है। जो ऑप्शन के अनुसार बात अगर करें तो सूरज के भाई की तस्वीर हो सकती है, सूरज के चाचा की तो बिल्कुल नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। सूरज के भाई की होगी, ये ऑप्शन होगा लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, सूरज के पुत्र की होगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर जो है आंसर नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं नॉलेजफुल वीडियोज।